share together. बॉलीवुड की रानी पद्मावती यानी कि दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी शादी की तैयारियों में काफी बिजी हैं। वो हर रोज अपनी माँ के साथ शॉपिंग करती नजर आ रही हैं। फिलहाल उन्होंने काम से ब्रेक ले रखा है, लेकिन आज हम आपको दीपिका के साथ हुए एक हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दीपिका कभी भूल नहीं सकती है। जी हाँ, दरअसल दीपिका पादुकोण एक फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंची थी जहां बिचाओं के कई नामी गिरामी चेहरे शामिल हुए थे। दीपिका के लिए एक कभी ना भूल पाने वाला लम्हा तब बन गया जब एक अनजान लड़का अपनी मुराद पूरी करने के लिए सिक्योरिटी तोड़कर दीपिका पादुकोण के पास पहुंच गया था। गार्ड्स ने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सबको इधर उधर करके फिर से वो दीपिका के पास पहुंच गया। दीपिका उसकी ख्वाहिश पूरी करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने उस लड़के के सामने हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार उसने अपनी मुराद पूरी कर ही ली। उसकी ख्वाहिश थी कि दीपिका पादुकोण के साथ वो एक क्लोज सेल्फी ले। दीपिका उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर उस लड़के की जिद के सामने आखिरकार दीपिका को झुकना ही पड़ा था। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।